भाई एबसेटी डाइट दे, गेनिंग टिप्स एंड वेट लॉस प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स, व्हाई बॉडी बिल्डर्स शुड हैव केमिस्ट एज अ बेस्ट फ्रेंड, हाउ मच टाइम डिड इट टेक्स टू मेक अ बॉडी लाइक यू, इज इट ओके टू ओनली टेक क्रिएटिन, हाई प्रोटीन वेज फूड्स, अ गुड वर्कआउट स्प्लिट विच मोस्ट ऑफ द पीपल कैन फॉलो, माय 2021 प्लान्स एंड गोल्स आर, इट्स बिट पर्सनल, एम आई सिंगल और डू आई हैव अ गर्लफ्रेंड, यस आई डू, मैं उन फोटो भी दिखाने वाला हूँ। हे गाइस, दिस इज राजकर मैडम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं एक छोटा सा क्यू एन ए करने वाला हूँ। मेरे इंस्टा पे मैंने स्टोरी डाली है, उस पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स देने वाला हूँ मैं, एंड दे विल बी रिलेटेड टू माय पर्सनल लाइफ एंड फिटनेस, एंड दिस इज आउटफिट फॉर टुडे। सो ऑलिव कलर का टी शर्ट, विच शोज ऑफ माय गेन्स, ब्लैक जीन्स एंड ये वॉच, इट्स एन ऑलिव कलर वॉच। So match. Look at Prince. He is enjoying his time. Prince. अभी तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ. Let's go. लेट्स बिगिन विद टुडेस क्यू एन ए, एंड मैंने आज के क्यू एन ए के लिए जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए वो मेरे जो भी रिकॉर्ड हो रहा है उस फोन में, बट मैंने कल रात को सारे क्वेश्चन नोट्स ऐप में मेरे दूसरे फोन में रखे थे। आई विल बी आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चन राइट नाउ। आई डोंट नो व्हाई यू आर ऑब्सेस्ड विद माई हाइट एंड वेट, बट सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट्स माई हाइट। आई एम 5'8" and my weight is 67 kgs and age 19 right now. I will turn 20 this month on 26 Jan, so meri birth date bhi maine bata di. So next question is about why did I visited Apple store recently, because mere MacBook mein problem aaya tha, jo display hai uske jo pixels rehte that went off, matlab wo kharab ho gaye, so I had to go and check it out and uska vlog main jaldi dalne wala hu. Next question is about why did you buy Realme buds instead of AirPods? The reason is I feel like AirPods are overly priced. जितनी उनकी प्राइस है उतनी वो साउंड क्वालिटी नहीं देते as compared to products like Realme Buds Air 2. But recently एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ एंड वो आपको NCC के वीडियो में पता चलेगा, that will be out soon too. So वो NCC का कैंप का वीडियो है, उसमें पता चलेगा। Next question is मैं कौन से कॉलेज जाता हूँ। आई एम स्टडिंग एट कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराड, आई मीन सेकेंड ईयर फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया ब्रो आपको वर्कआउट करते हुए। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 10, तो ऑलमोस्ट मुझे 4 years हो गए, एंड एक्सपीरियंस ऑफ वेट लिफ्टिंग। सो सेम क्वेश्चन, मुझे वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस 4 years है, बट स्टार्टिंग में मेरे पास नॉलेज नहीं थी। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस एक्सप्लेनिंग न्यू बिगेन्स एंड बिगनर्स के लिए क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो अब वीडियो एंड फोटो एडिटिंग किस में करता हूँ। जो यूट्यूब के वीडियोज होते हैं वो मैं मेरे मैकबुक में आई मूवीज सॉफ्टवेयर में एडिट करता हूँ, एंड जो इंस्टाग्राम के रील्स के वीडियोज रहते हैं वो मैं VN एडिटिंग ऐप में करता हूँ, एंड अबाउट फोटोज मैं फोन में लाइट रूम एंड स्नैपसीड में एडिट करता हूँ। मुझे मैकबुक में अभी तक फोटो एडिटिंग नहीं आती। जब भी मैं फ्री होता हूँ कॉलेज में आई एडिट माई फोटोज ऑन माई फोन, एंड घर पे आके आई एडिट माई वीडियोज। नेक्स्ट अबाउट टिप्स ऑन गेनिंग वेट। सो फॉर गेनिंग वेट, अगर आपको बल करना है सो यू नीड टू बी इन कैलोरी सरप्लस, प्रायोरिटाइज योर कैलोरी डेंस फूड। द अनदर क्वेश्चन इज अबाउट लूजिंग वेट, अगर आपको फैट लॉस या वेट लॉस करना है यू नीड टू बी इन कैलोरी डेफिशिएंट, एंड आप कैलोरीज रिड्यूस करने से पहले आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ, फोकस ऑन लो कैलोरी डेंस फूड्स। सो गेनिंग टिप्स एंड वेट लॉस टिप्स में मैं सेपरेट पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, वन ऑन डेडिकेटेड हाउ टू गेन मसल एंड गेन वेट, एंड एक फैट लॉस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब फॉर मोर, ये पूरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज होने वाले हैं, सो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलने वाली है उन वीडियोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गियर डू आई यूज टू शूट माई यूट्यूब वीडियोज एंड इंस्टाग्राम रील्स कंटेंट। सो मैं मेरे यूट्यूब वीडियोज और पूरा कंटेंट शूट करने के लिए मोस्ट ऑफ मेरा आईफोन 10 यूज करता हूँ, एंड समटाइम्स आई यूज दिस iPhone 6s. Next question, what is your snap ID? So it's same as Instagram, Mr_Rajkadam. यहाँ पे आ रहा होगा प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स। मैं सप्लीमेंट्स में क्रिएटिन यूज करता हूँ, वे प्रोटीन यूज करता हूँ, एंड समटाइम्स प्री वर्कआउट। दीज आर द ओनली 3 things आई यूज। सो प्री वर्कआउट भी इतना नहीं, बट क्रिएटिन एंड वे प्रोटीन, सो यू कैन यूज देम। एंड मैं
अश्वगंधा भी यूज करता हूँ, गोक्षुरा भी यूज करता हूँ, एंड द मल्टीविटामिन्स विच आर अवेलेबल इन मेडिकल वो भी यूज करता हूँ. मैं मल्टीविटामिन्स फ्रॉम सप्लीमेंट ब्रांड से नहीं लेता, बट आई प्रेफर टू गेट देम फ्रॉम आवर मेडिकल स्टोर बिकॉज दे आर चीप. एंड मैं उस पर भी एक वीडियो बनाता हूँ, व्हाई बॉडी बिल्डर्स शुड हैव केमिस्ट एज अ बेस्ट फ्रेंड, व्हाट इज योर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम इनकम. सो आई हैवंट अर्न अ रूपी येट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू रिप्लाई टू योर डीएम्स. मेरा कॉलेज रहता है, शेड्यूल बिजी रहता है, आई हैव टू एडिट माई वीडियोज, बाद में इंस्टाग्राम के रील्स भी एडिट कर, फोटोज भी एडिट करने है, सो आई डोंट हैव टाइम वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स बिट पर्सनल बट आई नो यू आर इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज, एम आई सिंगल और डू आई हैव अ गर्लफ्रेंड. सो यस आई डू, मैं उनकी फोटो भी दिखाने वाला हूँ. सो वेट अ मिनट एंड लेट मी सर्च इन दिस फोन. सो ही इज माई गर्लफ्रेंड, होप यू कैन सी हर. सो शी इज माई मॉम. एंड मुझे ऐसे रिलेशनशिप्स में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है. यू आर रियली इंटरेस्टेड. सो हियर शी इज माई गर्लफ्रेंड, शी इज माई मॉम. सो she is everything for me and we fight a lot, we love each other a lot too. Next question is, how much time did it takes to make a body like you? If you have a proper coach then you can build a physique like me in 1.5 years, agar aapka diet and wo sab theek hai. But it's not only about the diet and all, it depends upon your genetics, your hard work and everything. So you can build physique like me in year 2. I was fat, so it took me a very long time to come here and mere paas coach bhi nahi tha, but now this is all self-made. ये देख रहे हो, so this all is self-made and you can be your own coach. अगर आपको कोच की जरूरत नहीं है, but if you want you can go for it. So I am going to prepare oats right now and oats बनाते मैं आपको आगे के questions के answer देता हूँ. So let's prepare oats and this is my favorite meal. मैंने अभी oats यहाँ पे लगा है, ये होने वाला है माइक्रोवेव में, नहीं बनने वाला राइट नाउ बिकॉज उसमें थोड़ा टाइम लगता है एंड गैस पे फास्ट है. एंड आगे के क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ. एज अ स्टूडेंट बिकॉज ऑफ मनी फैक्टर, इज इट ओके टू ओनली टेक क्रिएटिन एंड नो अनदर सप्लीमेंट? इफ येस, विच क्रिएटिन वुड यू प्रेफर? सो आई नो यू आर स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ एंड मुझे भी एक बजट होता है कि आई हैव टू मैनेज माई डाइट एंड सप्लीमेंट्स इन दैट टेकिंग क्रिएटिन. सो गो फॉर इट. क्रिएटिन सबसे अच्छा सप्लीमेंट है एंड इट इज मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट. सो आपको कुछ उसका साइड इफेक्ट नहीं होने वाला एंड क्रिएटिन पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, फुल इन डेप्थ इन डिटेल में बताने वाला हूँ क्रिएटिन के बेनिफिट्स एंड एक्सेट्रा. सो क्रिएटिन आप ले सकते हो 5 ग्राम एवरी डे एंड इफ यू कैन अफोर्ड टू बाय वे प्रोटीन गो फॉर इट बिकॉज वे प्रोटीन आपके डेली प्रोटीन गोल्स को हिट करने में मदद करेगा. एंड इफ यू कैन बाय वे प्रोटीन गो फॉर एग वाइट्स. सो गो फॉर एग वाइट्स और हाई प्रोटीन फूड्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चेस्ट फैट कम करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है? यू कैनॉट स्पॉट रिड्यूस फैट. आप एक जगह से फैट रिड्यूस या कम नहीं कर सकते, पूरी आपकी बॉडी में से फैट जाने वाला है. सो यू हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट टू लूज योर फैट. गिव सम टाइम, थोड़ी दिनों के बाद आपका फैट परसेंट कम हो जाएगा. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक का वेस्ट कहाँ से बाय किया एंड शेयर द लिंक. जो मेरे वीडियोज में आपने देखा होगा यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, मैं मसलवेस का सैंडो पहनता हूँ, स्टिंगर पहनता हूँ, वो एक्चुअली मुझे सप्लीमेंट पे मिला था फ्री में. बट आई नो अ वे जिससे कि आप फ्री में सैंडो स्टिंगर ले सकते हो, उस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ. सो उसमें आपको इन डेप्थ बता दूंगा. नेचुरल टिप्स चाहिए, नेचुरल टिप्स फॉर गेनिंग, फर्स्ट इज योर डाइट. आप वर्कआउट करो बट जब तक आपका न्यूट्रिशन राइट नहीं है यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट्स. सेकंड इज योर वर्कआउट एंड आपको वर्कआउट में पिछले वर्कआउट से आपको प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फॉलो करो. थर्ड इज योर स्लीप. इफ यू डू दिस 3 things राइट यू विल गेट रिजल्ट्स. सो फर्स्ट इज डाइट न्यूट्रिशन, सेकेंड इज वर्कआउट, आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, यू हैव टू गो हार्डर देन द लास्ट टाइम. एंड थर्ड इज योर स्लीप, योर रेस्ट, जो आपको मसल रिकवरी में मदद करेगा. सो माय ओट्स आर ऑलमोस्ट रेडी, सो लेट्स फिनिश दिस फास्ट. हे ब्रदर, आई एम डूइंग वर्कआउट फ्रॉम 1 year, सो कैन यू प्लीज सजेस्ट मी अ गुड
split with workout. Thank you. A good workout split which most of the people can follow is push-pull legs and rest. मैं वही follow कर रहा हूँ अभी. So if you can't go to the gym 6 times a week, you can follow upper-lower split या फिर full body workout split. But try to hit one muscle group at least 2 times a week, जिससे कि आपको अच्छे results मिलेंगे. How to use filter of deadlifts in your video? So ये reels वाला question है and I will make a video on the same. I can't explain. वो editing की process थोड़ी सी लंबी है but surely I will. Sir, YouTube पर आपने diet के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, अगर थोड़ा हेल्प कर देते वेज डाइट इट वुड बी ग्रेट. सो बेसिकली यू वांट अ वेज डाइट. वेज डाइट में हाई प्रोटीन फूड्स को इंक्लूड करो. मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा फुल डे ऑफ ईटिंग वेज एंड फुल डे ऑफ ईटिंग ऑन नॉन वेज फॉर वेट लॉस एंड मसल गेन. सो ये पूरे वीडियोज आने वाले. एक्चुअली 2-3 वीडियो मैंने शूट भी किए हैं बट आई डोंट हैव टाइम टू एडिट. नाउ आई विल टेल यू हाई प्रोटीन वेज फूड्स. सो फर्स्ट इज पनीर, सेकेंड इज सोया चंक्स एंड थर्ड इज टोफू, फोर्थ इज पीनट बटर, बाद में राजमा, बीन्स. सो यू कैन श्योरली ऐड देम एंड आप इससे आपके प्रोटीन गोल्स को हिट कर सकते हो. वाइल कटिंग आई वुड सजेस्ट यू टू बाय अ वे प्रोटीन बिकॉज उससे आपके प्रोटीन गोल्स को हिट करने में आसानी होगी. हे ब्रो, आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम यू. आई वॉन्ट बिल्ड अ फिजिक लाइक यू. ब्रो, कैन यू हेल्प मी थ्रू दिस? सो मैंने फिट टू फैट सीरीज बनाई थी मेरे चैनल पे, वॉच इट. बट और टिप्स के लिए आप सब्सक्राइब करो चैनल पे. आई विल बी टेलिंग यू मोर अबाउट गेनिंग वेट एंड फैट लॉस. पूरी फिटनेस के बारे में मैं आपको नॉलेज दूंगा. सो सब्सक्राइब करो एंड आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो. आई विल श्योरली आंसर यू. ब्रो प्लीज टेल मी डाइट फूड फॉर मसल गेनिंग. प्लीज ब्रो, माय वेट इज 60. सो आई कांट टेल यू मेंटेनेंस कैलोरीज जस्ट बाय योर वेट. आई नीड योर हाइट एंड एज टू. सो मैंने पूरे वीडियो में आपको पहले ही बताया है कि विच आर हाई प्रोटीन फूड्स. सो बेसिकली इन नॉन वेज एग्स, चिकन, फिश एंड इन वेजिटेरियन पनीर, टोफू एंड सोया चंक्स एंड वे प्रोटीन तो ऑब्वियसली होगा. सो यू कैन यूज देम एंड इसे यूटिलाइज करके आप अपने प्रोटीन गोल्स को हिट करो. यू विल श्योरली गेट योर रिजल्ट्स. डू यू यूज एनी सप्लीमेंट्स? इफ यस, विच? सो मैंने इसका पहले भी आंसर दिया है. इट्स वे प्रोटीन, क्रिएटिन एंड प्री वर्कआउट. प्री वर्कआउट मैं एक्चुअली ज्यादा यूज नहीं करता, ओनली ऑन द डेज जहाँ पे मेरा डाइट नहीं होता. आई डेली यूज कैफेन फ्रॉम कॉफी. सो यू कैन यूज इट एज अ प्री वर्कआउट. ब्लैक कॉफी पीता हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के. So guide me to reduce belly fat but I can't join gym due to work schedule. So how can I do it at home? First thing, being calorie deficit, home workout karna chalu karo. Try doing cardio like running, walking. That will help you to reduce your weight. So next question, bhai abs saathi diet de. There is no डाइट फॉर एब्स. आपको एक लो बॉडी फैट परसेंट में रहना पड़ेगा एंड योर एब्डोमिनल मसल जो है वो आपको डेवलप करने पड़ेंगे. जब तक वो आपके डेवलप नहीं है तब तक वो विजिबल नहीं होंगे. एंड अगर आपका बॉडी फैट परसेंट भी ज्यादा है, इवन इफ दे आर डेवलप, आपके वो विजिबल नहीं रहेंगे बिकॉज देर इज अ लेयर ऑफ फैट ऑन दैट मसल. सो इफ यू आर अबव 15% बॉडी फैट, दे वोंट बी विजिबल. हो भी सकते हैं बट मोस्टली दे वोंट बी विजिबल. रिड्यूस योर फैट परसेंटेज एंड जब आप एक लो फैट परसेंटेज में आ जाओगे देन यू कैन सी them. Everyone has abs muscle, abdominal muscle, but वो develop नहीं होते and due to high body fat percentage वो visible नहीं होते. So next question, this might be last question. 2021 plans and New Year resolution. My 2021 plans and goals are, I want to complete 10k followers on my Instagram and मुझे मेरा YouTube channel monetize करना है. Hope so I complete these two. And my third is, मैं जितने भी लोगों के आपके DMs आते हैं, I want to reply every DM, answer every question. So if you are new to the channel and अगर आप मुझे Insta पे follow नहीं करते, DM me any questions, I will be answering each and every one questions of you. So DM me on my Instagram, it's Mr_RajKadam. आपको यहाँ पे भी आ रहा होगा एंड आई विल एब्सोल्युटली रिप्लाई यू. जस्ट गिव मी सम टाइम एंड मुझे कंटेंट क्रिएशन पे भी फोकस करना है. आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई हिंदी. मुझे एक कोच भी हायर करना है. सो दिस माइट बी द लास्ट क्वेश्चन. अगर मुझे और क्वेश्चन अच्छे लगे सो आई विल आंसर देम. आई विल बी ईटिंग ओट्स राइट नाउ.
जस्ट केम बैक फ्रॉम द जिम एंड आज मैंने चेस्ट को ट्रेन किया, बहुत अच्छा वर्कआउट रहा एंड होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए इस वीडियो में। अगर आपको नहीं मिले, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस इन माय डीएम, सो यू कैन डीएम योर क्वेश्चंस। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। पीस।